युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 6 खेला जाएगा अरावली एरोज वुमेन्स वर्सेस पलानी टस्कर्स वुमेन्स के बीच में। देखिए दोस्तों, दोनों ही जो टीम्स हैं इनकी जो स्टार्टिंग है वो इस टूर्नामेंट की अच्छी नहीं रही। दोनों ही टीम्स अपना अपना मैच हार के आ रही है और यहाँ पर दोनों ही टीम्स की काफ़ी ऐसी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में सुना काफ़ी अच्छा था लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दिखी। बट इस मैच में भी हम उन प्लेयर्स को बैक करने वाले क्योंकि अपने ओपोनेंट्स उन्हीं प्लेयर को ड्रॉप करके आए क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस उनकी काफी लो रही थी। अब यहां पर अगर बात करें दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की प्लस टीम की, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम या फाइनल अपडेट आने वाली है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर कब जैसे ही मैच की लाइनअप अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद भाई मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी फाइनल टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब यहां से अगर बात करें तो चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की, उससे पहले पॉइंट्स टेबल में आपको लेकर चलता हूं और दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस दिखाता हूं। अरावली एरोज नंबर 5 पर, पलानी टस्कर्स नंबर 6 पर है। दोनों ही टीम्स अपना मैच हार के आ रही है। एक टीम 13 पॉइंट के मार्जिन से आ रही थी, किसके सामने? हिमालयन ताहर्स के सामने। दूसरी टीम आ रही भाई मुरथल मैग्नेट्स के सामने टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में। अब अगर बात करें दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की तो चलिए भाई सबसे पहले अरावली एरोज से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट मैच में आपको ज्ञानू टाकर दिख जाएंगे जो कि लास्ट मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस देकर गई है। 2 टैकल इन्होंने निकाले, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेंगी मनप्रीत कौर, यहाँ पर अगर आप देखो तो भाई इन्होंने 3 टैकल अटैम्प्ट किए, तीनों के तीनों अनसक्सेसफुल रहे थे। बात करें अगर भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर आपको रजनी दिखेंगी जो कि भाई अगेन इस मैच में फ्लॉप रही। इन्होंने भाई 1 रेडिंग रेड भी ट्राई की जो अनसक्सेसफुल रही, प्लस 4 बार टैकल करने की जो कि भाई फ्लॉप ही रहे थे। इसके अलावा सुषमा की बात करेंगे, 1 बोनस पॉइंट 1 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैकल में भाई ये सिर्फ 1 बार गई और वो इनका टैकल कामयाब रहा था। बाकी अगर बात करें भाई रेडिंग सेक्शन की तो निधि आपको दिख जाएंगी जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस की, 6 टच पॉइंट से या 5 टच पॉइंट, 6 टच पॉइंट प्लस 5 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले, जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर नहीं आ रही है। सामने वाली टीम की तरफ अगर आप चलोगे तो सामने वाली टीम की स्टार्टिंग 7 भी देखना जरूरी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मिथिल मुर्गवेल की बात करेंगे, टीम की कैप्टन है, लास्ट मैच में 87% सिलेक्शन था। अब यही मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था, बहुत सी ऐसी प्लेयर्स है जिनके बारे में अच्छा सुना है जो अच्छा करने वाली थी इस टूर्नामेंट में लेकिन फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई, उन्हीं में से एक है मुर्गवेल। इन्हें मैं अपनी टीम में जरूर बैक करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, मेरी टीम में जरूर रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर स्नेहा जिनराज की तो यहां पर आप देखिए लास्ट मैच में 4 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाले, प्लस 5 इनके अनसक्सेसफुल टैकल भी रहे थे, यानी कि भाई टैकल में बहुत ज़्यादा जाती है। उस कंडीशन में भाई कोई भी मैच में ये आपके लिए ड्रीम टीम की कैप्टन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आपको नज़र आ जाएंगी लोगेश्वरी सेल्वराज जो कि लास्ट मैच में 1 टच पॉइंट 1 टैकल निकाल कर आ रही है, 5 टैकल इनके अनसक्सेसफुल रहे थे, ये भी आपके लिए एक ट्रंप कार्ड पिक रहने वाली है। बाकी अगर बात करें भाई रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ पर भाई कुछ खास प्लेयर आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हम चलेंगे सीधा रेडिंग सेक्शन में। अब यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे पहले भाई ऊपर से बात करेंगे सुभिक्षा की, तो सुभिक्षा ने लास्ट मैच में 1 बोनस एक बार रेडिंग में गई थी और वो उन्होंने कामयाब की थी और टच पॉइंट निकाला था। बाकी इसके अलावा ना तो एक भी ये रेडिंग में कैच हुई, ना ही भाई ये डिफेंस में टैकल करते हुए आउट हुई। तो आपके लिए अगर स्टार्टिंग 7 में आती है तो भाई यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, बट इनके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि भाई ये अभी स्टार्टिंग 7 में आएगी नहीं कहना मुश्किल है। बट यहाँ से जो काथीजा लास्ट मैच की स्टार्टिंग 7 में थी, 8 टच पॉइंट 1 टैकल पॉइंट निकाले, 5 बार भाई रेडिंग करते हुए आउट भी हुए और 1 टैकल भी इन्होंने अटैम्प्ट किया जिसमें ये फेल भी रही थी, एक इनका कामयाब रहा एक फेल रही। कथीजा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन सीवीसी की तगड़ी ऑप्शन, क्यों? क्योंकि भाई मैच की ऑलमोस्ट 80% रेड यही डाल रही थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अगर बात करें भाई टीम की तो चलिए आपको टीम बना के दिखाते, लेकिन उससे पहले दोस्त
अगर आपको फिर से याद दिलाऊं तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं टीम की। तो टीम की अगर बात करें तो यहाँ से मैं अपनी टीम में एक बैलेंस टीम बनाऊंगा। सबसे पहले भाई यहाँ से मैं मुर्गवेल को टीम में रखूँ, चिनराज को टीम में रखूँ। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो एस सेल्वराज को टीम में रख सकते हो, बट मैं अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा। ज्ञानो ठाकुर को अपनी टीम में यहाँ से रखने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अपनी टीम में जो एस शर्मा ये रहने वाले, बाकी हाँ अगर आप चाहो तो एम मलिक को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, अरगुलिया को रख सकते हो, बट मैं नहीं रखने वाला। रेडिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर निधि को टीम में रखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर हम अपनी टीम में रखेंगे जेड बेबी जाकिर को। इसके अलावा अगर बात करें तो रेडिंग सेक्शन में जो नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको अपनी टीम में कंचना रवि दिखेंगी, जिन्हें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट अगेन इन्हें ट्राई करने से पहले भाई मैं अपनी टीम में एस मेरी को ट्राई करूँगा। क्यों? क्योंकि लास्ट मैच आप देखिए भाई, इन्होंने एक बार, अगर ये स्टार्टिंग सेवन में आते थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक बार भी ये कैच नहीं हुई थी। हालांकि ज़्यादा इन्हें मौका नहीं मिला, बट फिर भी ज़्यादा कैच नहीं हुई थी। तो आप चाहो तो आप इन्हें भी बैक कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा नीचे अगर चलो तो भाई यहाँ पर आपको पुरमनन दिख जाएंगे, इन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से अभी एस मेरी को। इसके अलावा सीबीसी की बात करेंगे, कैप्टनसी जो हमारी रहेगी वो यहाँ से भाई मैं देने वाला हूँ। किसको मैं देने वाला हूँ भाई अपनी टीम में? जेड बेबी को, और वीसी मैं देने वाला हूँ एन शर्मा को। अगर आप लोग चाहो तो चिनराज को कैप्टन देकर और वीसी भाई आप यहाँ पर अपनी टीम में जेड बेबी को दे सकते हो, बट अभी के लिए मैं वीसी देने वाला हूँ भाई यहाँ से निधि शर्मा को, और कैप्टनसी देने वाला हूँ जेड बेबी को, ठीक है। तो टीम हमने बना ली है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। बाकी टीम प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर है, यहां से आप टीम सेव कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।